एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन हो जाता है, इसके कुछ लघुतरे टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, अपनी भारत यात्रा के दौरान मेगस्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदुवार लिखिए। तो मेगस्थनीज यानी 305 से 297 ईस्वी पूर्व मेगस्थनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रकाशन एवं तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं का महत्वपूर्ण विवरण दिया। उसका उतना ही महत्व है जितना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। मेगस्थनीज के विवरण की कुछ उल्लेखनीय बातें इस प्रकार हैं। पाटलिपुत्र स्थित मौर्य साम्राज्य यानी राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। सेकेंड हो जाता है, सैनिक प्रशासन 30 अधिकारियों की एक परिषद द्वारा किया जाता था। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। इसमें विभिन्न कार्यों से संबंधित 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और फोर्थ हो जाता है, जहाज निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग था और दास प्रथा नहीं थी। भवन लकड़ी के बनते थे और भारतीय समाज 7 जातियों में विभक्त था। उसमें कुछ अन्य चीज़ों का भी वर्णन किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी, जैसे इस पेड़ की जड़ें तने से उगती हैं और इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। किसकी बात की? तो इसमें बरगद की बात की, यानी बरगद वृक्ष की बात की। बिना मधुमक्खी के शहद मिलता है, किससे, किसके बारे में इन्होंने बात की? तो गन्ने से, यानी गन्ने के बारे में इन्होंने बात की। उन पेड़ों से उगती है, तो ये किसके बारे में बात की? तो कपास। और पक्षी जो मनुष्य जैसा बोलता है, तो वो तोते के बारे में इन्होंने बात की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य पाषाण काल का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, मध्य पाषाण काल के औजार यानी उपकरण पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों में तालमेल बैठाने में ही उसे उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी और उसमें वो पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ और घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़ यानी भेड़ बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्रित करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाजों के पूर्वज थे। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन के लिए किया, इस प्रकार वो संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पाला? तो कुत्ते को पाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता बताएं। तो नवपाषाण काल की मानव जीवन की विशेषताएं निम्न तरह से हो जाती है। हम निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। तो सबसे पहला जो बिंदु हो जाता है वो हो जाता है औजारों की उन्नति। तो इसमें इन्होंने क्या किया, उत्खनन में अनेक स्थानों से सैल्ट, कुल्हाड़ी, एड्स पॉलिशर, हेमर स्टोन, फैब्रिकेटर, स्किल्ड स्टोन नामक हथियार प्राप्त हुए। इस समय के हथियारों में चमकदार पॉलिश देखने को मिलती है। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ कि पहले जो इससे पहले के काल में क्या था, औजार बेडोल भद्दे थे, लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ, औजार अच्छे सुडोल चमकदार ऐसे देखने को मिले। पहले के हथियारों की अपेक्षा ये सुव्यवस्थित, नुकीले, तीखे एवं सुंदर थे। वही चीज़ की पहले भद्दे थे, अब क्या है, सुंदर हैं। कुछ हथियारों में हड्डियों लकड़ी की गूंट भी प्राप्त हुई है। इस काल में पहियों हसिये का भी प्रयोग होने लगा था। इन उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उपकरण केवल आखेट के लिए निर्मित नहीं किए गए वरन अन्य कार्यों के लिए भी निर्मित हैं।
पहिए के आविष्कार ने विभिन्न दूरी पर बसे हुए लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का कार्य किया। वास्तव में ये युग आधुनिक यातायात का जन्मदाता था। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, कृषि का आरंभ। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि का आरंभ करना था। इसमें पहले युग के मानव को कृषि को बिल्कुल, यानी पहले कृषि का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, अतः ये कार्य उस युग की एक महान क्रांति कही जा सकती है। जैसा कि विल्दूरा ने भी कहा है, नवपाषाण काल में शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति थी। यहाँ पे क्या हुआ नवपाषाण काल में कि जो औजार थे वो तो सुडोल बने ही, चमकदार पॉलिश वाले थोड़े छोटे, यानी जब उनको सुडोलता मिली तो उनमें आकार भी छोटा हुआ और उसके बाद कृषि भी आरंभ हुई। उसके बाद है पशुपालन। तो उत्तर पाषाण कालीन नवपाषाण काल के लोगों के इस बात का अनुभव किया कि यदि हम पशुओं की हत्या करना बंद कर दें और उनका पालन कर दे तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए इन लोगों ने पशुपालन का कार्य शुरू किया। इस काल में प्रमुख पालतू पशु कौन थे, तो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल, ये सभी पशु हो जाते हैं। क्योंकि पहले मनुष्य क्या करता था कि पशुओं को मारकर खाता था, लेकिन उसके बाद नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या सोचा कि अगर इन पशुओं को हम मारे ना और इन पशुओं को हम पालतू बनाए तो भाई खेत जोतने के भी काम आएंगे, हमें दूध भी प्राप्त होगा, इससे ऊन भी, ये सभी चीज़ें मतलब प्राप्त होती हैं, आज भी प्राप्त होती हैं और हमेशा प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन ये चीज़ मनुष्य ने कब सोच ली थी, नवपाषाण काल में ही सोच ली कि अगर हम पशुओं को ना मारें और इनको पालतू बनाएं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मिट्टी के बर्तन का निर्माण। नवपाषाण काल के लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। कृषि एवं पशुपालन का कार्य आरंभ हो जाने के कारण अब इन लोगों के पास सामान अधिक हो गया। इसलिए अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। अभी चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः बर्तन हाथ से ही बनाए जाते थे जो कि आग में पका लिए जाते थे। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि मिट्टी के बर्तन इन्होंने कैसे बनाए कि पहले जब चाक का आविष्कार ही नहीं हुआ, उससे पहले इन लोगों ने क्या किया, मिट्टी से बनाना स्टार्ट किया और उनको आग में जलाया। लेकिन उसके बाद चाक का प्रयोग हुआ, यानी आविष्कार हुआ और उससे मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए। वस्त्र निर्माण। नवपाषाण काल के लोगों ने पौधे के रेशे तथा उनके धागों से कातना शुरू कर दिया और उन्हें बुनकर वस्त्र बनाने लगे। इनकी जानकारी खुदाई से प्राप्त बहुत सी तकलियों तथा करघे से हुई है। यानी जो नवपाषाण काल में वस्त्र भी बनाए जाने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पुरापाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए, तो आपका हो जाता है पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में मानव के चित्र बनाना भी सीख लिया था। उस समय के गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाया गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के पत्थर के औजारों की विशेषता बताइए। पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए औजारों में आपको अंतर देखना है और आपने अभी पढ़ा कि पहले क्या था, औजार बेडोल थे, भद्दे थे, तेज धारदार यानी शार्प नहीं थे, नुकीले नहीं थे। और उसके बाद नवपाषाण काल में क्या हुआ, औजार सुडोल बनने लगे और उन पर पॉलिश होने लगी, वो धारदार होने लगे, नुकीले। तो यही आपको अंतर में लिखना है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। पत्थर के औजारों की विशेषता पुरापाषाण काल के पहले देख लेते हैं। मनुष्य ने इस काल में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इसके फलस्वरूप इनकी भोजन पद्धति में कुछ बदलाव आए। पहले मानव वृक्षों के फल, कंद और मेवे आदि खाकर गुजारा करता था। इस काल में मनुष्य ने औजारों का प्रयोग शिकार के लिए किया। तत्पश्चात उसके मांसाहारी भोजन की शुरुआत हुई। उसने छोटे छोटे पशु पक्षियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। चूँकि मनुष्य को अभी बर्तनों की जानकारी नहीं हुई थी, इसलिए वो रोज़ाना शिकार करके अपना पेट भरता था। यही मनुष्य का प्रमुख कार्य था। कहाँ पे देख लेते हैं, देखिए आपका पुरापाषाण काल की यहाँ पे बात हो रही है। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। पुरापाषाण काल में क्या था कि अभी बर्तन नहीं बने थे, इसलिए वो लोग क्या करते थे, रोज़ पशुओं को मारते थे और रोज़ उससे ही अपना पेट भरते थे। मध्यपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं, तो इस काल के औजार पहले की अपेक्षा अधिक उन्नति और
परिष्कृत हो गए थे। इस काल का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थे। इसके अलावा इस काल में हड्डी, लकड़ी व धातु के औजारों का निर्माण भी शुरू हो गया था। भारत के विभिन्न भागों में पूर्व पाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए थे उन्हें इस काल के मध्य में रखा गया। इसमें विभिन्न प्रकार के क्रेपर, यूटिन और बोधक आदि है। इसका निर्माण ब्लेड पर किया गया। फलकों की अधिकता होने के कारण मध्य पाषाण काल को संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में उपकरण निर्माण में उच्च कोटि के क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। नव पाषाण काल, इस काल में एक और पत्थर के अच्छे औजार बनने लगे। वहीं दूसरी ओर मानवों ने धातुओं की खोज कर धातुओं के औजार बनाना और उन्हें खेतों में प्रयुक्त करना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि धातु में सर्वप्रथम सोने की खोज हुई। इसके बाद तांबा, रांगा और जस्ते की खोज हुई। जस्ता और तांबा को मिलाकर पीतल बनाया गया। यही इस काल की महान उपलब्धि थी। धातुओं का प्रयोग आभूषण तथा बर्तन निर्माण में किया गया। अब देख लेते हैं धातु काल का परिचय दीजिए। क्वेश्चन ये हो जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो नवपाषाण काल का अंत होते होते पत्थर के साथ धातुओं का भी प्रयोग शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो तांबे का। ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघुत्री टाइप, तो चीज़ों को ध्यान में रखिए, नोट डाउन करते हुए चलिए कि कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो एग्जाम में पूछी ही पूछी जाती हैं, जिसके कारण इस युग को तांब युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उसमें तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान पे तांबे को पिघला तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव्य को विविध रूप में देना भी उन्हें सीख लिया। ये मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कासा बनाना सीख लिया। मानव जीवन उसकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। प्रागैतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल में अंतर लिखे तो इसको समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक काल में अंतर, अर्थ संबंधी अंतर। तो प्रागैतिहासिक शब्द प्राक ऐतिहासिक से बना है, जिसका काल की जानकारी के लिए कोई लिखित व प्रमाणिक साधन उपलब्ध नहीं। आप इस तरह से कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी जब हमें लिखित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, लिखित में कोई चीज़ प्राप्त नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं उसे। देखिए प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरी ओर जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रामाणिक साधन उपलब्ध हैं उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। यानी जब नहीं हमें प्रमाण प्राप्त हुए थे तो उसे प्रागैतिहासिक काल, और जब हमें प्राप्त हो गए तो ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद है प्रमाणिकता की दृष्टि से अंतर। तो ऐतिहासिक काल की विषय सामग्री लिपिबद्ध है या सामग्री पर्याप्त प्रमाणिक है। इसके विपरीत प्रागैतिहासिक काल की विषय सामग्री का ज्ञान अनुमान पर अधिक आधारित है। लोह युग का संक्षिप्त विवरण लिखिए तो ताम्र कांस्य काल के पश्चात लोह युग का आरंभ होता है। लोह युग का आरंभ उत्तर तथा दक्षिण भारत में एक साथ नहीं हुआ। दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद ही इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ था, परंतु उस यानी उत्तर भारत में ताम्र काल के बाद इसका प्रयोग आरंभ हुआ था। विद्वानों का मानना है कि उत्तर भारत में इसका प्रयोग ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यह अनुमान भी लगाया गया कि लोह काल के लोग पामीर पठार की ओर से आए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। कालांतर में ये लोग मध्य प्रदेश में वनों को पाकर जंगल की ओर चले गए थे और धीरे धीरे महाराष्ट्र में बस गए। कालांतर में ये लोग मध्य प्रदेश के वनों को पार कर बंगाल की ओर चले गए। लोह से मनुष्य के जीवन का वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हो गया और उसके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने तथा इसकी सभ्यता एवं संस्कृति की उन्नति में किसी अन्य धातु से उतनी नहीं मिली जितनी लोह से मिलती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक तथा नगरीय व्यवस्थाओं के विषय में तीन पंक्तियां लिखी है। तो आर्थिक दशा, कृषि में देखिए गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती की जाती थी। पशुपालन में कृषि के पश्चात पशुपालन सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा था। ये लोग बैल, ऊँट, भैंस, भेड़, गधे, बकरी, सुअर आदि, कुत्ते बिल्ली आदि पालते थे। व्यवसाय अस्त्र वस्त्र, पात्र वस्त्र, आभूषण, बढ़ई तथा शिल्प संबंधी व्यवसाय प्रचलन में थे। सिंधुवासियों के विदेशों से व्यापारिक संबंध थे। नाप तौल के साधन, नाप तौल के लिए सीपी के टुकड़े तथा बाटों का प्रयोग किया जाता था। धार्मिक दशा देख लेते हैं, मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग तथा योनि की उपासना, वृक्ष तथा पशुओं की उपासना,
वृक्षों में पीपल, महुआ, तुलसी, पशुओं में कुबड़ वाला बैल तथा सांप की उपासना की जाती थी। उसके बाद देख लेते हैं नगरीय व्यवस्था, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ के नगरों का निर्माण सुनियोजित ढंग से किया जाता था। सड़कें लंबी चौड़ी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर आधुनिक व्यवसायिक शैली पर निर्मित थे। भवन निर्माण तो सड़कों तथा गलियों के दोनों ओर भवनों का निर्माण एक पंक्ति में कच्ची तथा पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था। भवन में रसोई घर, स्नान घर, आंगन तथा शौचालय का निर्माण किया जाता था। सार्वजनिक स्नानागार, तो उत्खनन के मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ। विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है? तो इस सभ्यता में अनेक पक्ष हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। जैसे हम आज पक्की ईंटों से विशाल इमारतें बना रहे हैं, जो कि पक्की ईंटों का प्रयोग हमें सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। इस प्रकार ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही एक देन या विरासत आप कह सकते हैं। कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ कि जिस तरह से अभी हम ईंटों का निर्माण करके अपने घरों का निर्माण कराते हैं, तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में निर्माण हो रहा था घरों का, ठीक है। तो यानी वहीं से ये विरासत में हमको मिला है, वहीं की देन है, तो आप इस तरह से भी कह सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ बताएं तो पुराने शहरों की खोज यहाँ पर समझ लेते हैं। सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल में एक खंडार की खोज की थी। इस खंडार के अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, एक जगह पे मृतकों का टीला भी लिखा होगा और तीन ऑप्शन आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको टिक करना है या आपके अति लघुत्तर टाइप में आ जाता है तब भी। लेकिन इसमें से देखिए आपको, जब आप लघुत्तर टाइप क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे अच्छे से, तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, है ना। और आप अति लघुत्तरी तैयार करेंगे, अगर आपने पॉइंट्स को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप लघुत्तरी भी कर लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है, चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप अगर एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, क्योंकि अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। और हड़प्पा नामक स्थल से इस संस्कृति के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, पुरातत्वविदों ने इस स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। लोग नीचे उतर कर उसकी गलियों में घूमने लगे। इन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं, मानो आज के घरों की शहरों के बीच बनी चौड़ी सड़कें ऐसी हैं जैसे आज शहरों में बनी हैं। इतना बड़ा शहर, यहाँ कितने लोग रहते होंगे? जब खोजबीन की गई तो पता चला कि यह दबा हुआ एक शहर बहुत ही पुराना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब पता चला कि यह शहर चार पाँच हज़ार साल पुराना है। उस समय यह माना जाता था कि 4-5 हज़ार साल पहले लोग खेती करके, पशुपालन करके या शिकार करके जीवन यापन करते थे। क्या इतने पुराने समय में भी शहर बन गए थे? भाई सोचने वाली बात है, क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य ने तरक्की की है, लेकिन तरक्की तो पहले ही हो चुकी थी, वो तो हमें विरासत में चीज़ें मिल गई हैं ना। उसके बच्चे कुछ निशान देखकर हमें यह ज़रूरत पता लग जाता है कि शिकारी मानो शुरू के गांव की तुलना में शहर के लोगों का जीवन बदल गया था। उसके बाद है धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई शहर थे। वे खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली दूसरी छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थे। बहुत से शहर जहाँ बसे थे वो इलाका आज पाकिस्तान देश में आता है, लेकिन रोपड़ नाम की जगह भारत के पंजाब राज्य में है। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में और लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। देखिए आपकी ये पॉइंट्स, कई पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग। सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें, खुदाई करने पर शहरों में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। कई दो मंजिला घर थे, अमीरों की कोठियाँ थी, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। जैसा अभी सब रहते हैं उसी तरह से कुछ, क्योंकि देखिए
इन सब चीज़ों को जानकर तो यही होता है कि हाँ, जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं ऐसे पहले भी लोग अमीर भी थे, गरीब भी थे, अमीरों के घर अच्छे बने थे, गरीबों के घर थोड़े कम अच्छे बने थे, तो इस तरह से सभी चीज़ें थी। शहर की सड़कें गांव की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। पूरा शहर जाल के जैसे व्यवस्थित था, सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी, हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले। आसपास के गांवों में अनाज एकत्रित करके उन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा, मतलब यही चीज़ तो है ना कि भाई रखा जाता रहा होगा, यानी भाई जो चीज़ खुदाई से प्राप्त हुई तो अनुमान ही तो लगाया जा सकता है ना। घर और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला। इसमें चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इसमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कांसे की, तो कांसा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु हो जाती है। किसकी धातु हो जाती है? तो जो कांसा है वो तांबे और जस्ते को मिलाकर बनाई गई। और आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद ये भी था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। यानी बहुत ही आसानी से ये चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए पत्थर के भी औजार चल रहे थे। अभी हम देख लेते हैं आपका कितना रह गया, अभी ये काफ़ी, आप लोग देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। व्यापार हो जाता है सिंधु घाटी के नगरों से, पत्थर या मिट्टी की बनी चौकोर वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उसे सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। जैसे अभी तौल और नाप के लिए लीटर और मीटर ये सभी चीज़ें हैं, उस समय भी ऐसा सब था और अभी भी मुहर चलती है, लेकिन अब क्या है वो ब्लू कलर की इंक टाइप की होती है, उसमें मुहर उससे लगाई जाती है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे कि गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप दिया करते थे जिससे अपने सामान की पहचान हो। तो इससे तो यही सब पता चलता है कि जैसे आज का जीवन हम लोग जी रहे हैं उसी तरह से वो लोग भी जीवन जीते थे और अपने आर्थिक और अपने व्यवसायिक सभी चीज़ों में वो लोग महारत हासिल किए थे और उनको ये भी सभी चीज़ों का ज्ञान था कि किस तरह से हमें सफाई सुथराई रखनी है, किस तरह हर एक चीज़ का उनको ज्ञान था, है ना। लिखावट के बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी के नगरों में जो मोहरें प्राप्त हुई उन पर आदमी की आकृति, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की भूमिका आकृति बनी हुई है। दरअसल ये उस समय की लिखावट है, उसके अच्छा चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए सिंधु घाटी के बारे में जो कुछ भी बातें हम जानते हैं वे खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर है। क्योंकि कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो लिखावट मिली है वो चित्र के हिसाब से बनी हुई है। जैसे भाई किसी के भी चित्र बने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आकृतियाँ बनी हुई हैं पौधों की, जानवरों की, है ना, बर्तनों की, तो वो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी भी उनको नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन जो भी जानकारी, जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है वो सब खुदाई करने पर जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उससे ही जानकारी हमें मिली है, ठीक है। फिर देवी देवता के बारे में बात कर लेते हैं, तो शायद एक मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है, उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं, यह कोई देवता रहा होगा। शायद सिंधुवासी उसे पशुओं का देवता मानकर पूछते होंगे। अब शायद ही लगा सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर जो खुदाई से प्राप्त हुआ तो अनुमान ही तो लगा सकते हैं, है ना। शहरों का ख़त्म होना, अब ख़त्म कैसे हुए शहर इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आज से 4-5 हज़ार साल पहले सिंधु घाटी के नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल बने रहे, फिर किसी कारण से उजड़ गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं भाई? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण आ गया, फिर अन्य आर्यों का आना, कुछ भी हो सकता है या सारे कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है, सिंधु घाटी के नगरों के ख़त्म होने के बाद कई सौ साल तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। अब जब नगर ख़त्म हो गए, वहाँ पे आबादी ख़त्म हो गई, तो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे क्या हुआ, कोई नगर नहीं बसा, और उसके बाद तो नगर बसे, खुदाई हुई, और जब खुदाई हुई तभी हमें जानकारी मिली।
तो फ्रेंड्स आज यहीं तक इतना ही रखते हैं, यहीं पे सेशन को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। सो आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहें, अगर अभी आपने विजिट किया है और न्यू है चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।